नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष चंद्र शर्मा आपका नीलांचल क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आज से एक बहुत अच्छी श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूं, जो कि प्रतियोगी इंग्लिश से यानी कि कॉम्पिटेटिव इंग्लिश से संबंधित है, ट्रिकी वॉकेबलरी। और मैं आपको बता दूँ कि जो ट्रिकी वॉकेबलरी है वो आपके SSC 10+2 CGL एयर फोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप, और आप जानते हैं कि ये एक्स और वाई ग्रुप के लिए अप्रैल में जो है वो एग्ज़ाम भी निर्धारित किया गया है। नेवी बैंक में चाहे वो क्लर्क हो या PA हो, NDA और अदर जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स हैं इंग्लिश से रिलेटेड, उन सभी में वो आपके लिए सहायता करने वाली है। तो आज हम जो बात करेंगे वो ट्रिकी वॉकेबलरी का जो पार्ट वन है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आप इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश करेंगे और उससे बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे अपने एग्ज़ाम में आने पर। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी एट द नीलांचल क्लासेस पर। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक करना, इस पर कमेंट करना और इसे शेयर करना ना भूलें। मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल द नीलांचल क्लासेस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना उस पर ना भूलें। तो चलिए हम पहले वर्ड की ओर चलते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पहला वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है आबेस, और देखिए हम आबेस को देखते हैं तो ए का मतलब होता है अरे और बेस का मतलब होता है हमारा आधार। तो यदि हमारा आधार मजबूत नहीं होगा तो सीधी सी बात है कि जो लोग हैं वो हमें अपमानित करेंगे, वो हमारा तिरस्कार करेंगे। तो अबेस मीन्स होता है अपमानित करना या तिरस्कृत करना किसी को भी, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आप अबेस को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए नंबर टू की ओर चलते हैं, और नंबर टू जो वर्ड है हमारा वो है अबेट। और अगर हम अबेट की बात करते हैं तो देखिए इसमें हम दो उसमें बांटते हैं, ए बी यानी कि अब और ए टी ई एट। तो अब यहाँ पर वो कहना चाहता है कि यदि अब एट मीन्स खाया, तो यदि अब आपने नहीं खाया तो श्योर है कि आप कमज़ोर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अबेट का मतलब होता है छीड़ होना, उपशमन होना, रोकथाम करना या कमज़ोर होना। तो मैं समझता हूँ कि आप अबेट मीन्स बड़े आसानी से समझ गए क्या है। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं एबिरेंट की ओर, और जब हम एबिरेंट की बात कर रहे हैं तो इसे हम करते हैं ए बी अब और आर ए एन टी यानी कि रेंट। अब यदि हमने रेंट नहीं चुकाया तो श्योर है कि जो मालिक है, जो ओनर है, उसका जो व्यवहार है वो परिवर्तित हो जाएगा। तो एबिरेंट मीन्स होता है व्यवहार बदलना या अपने धर्म पथ से हट जाना। तो इसके बाद हम नंबर फोर पर चलते हैं, और नंबर फोर है हमारा अबेट। और जब हम अबेट की बात करते हैं तो हमने देखा कि ए मीन्स अरे और बैट मीन्स शर्त लगाना। तो वो कहना चाहता है कि ए अगर आप बार बार बैट लगाओगे किसी से, यानी कि आप बार बार किसी से शर्त लगाओगे, तो सीधी सी बात है कि आपके अंदर जो है वो एक उकसाने वाली भावना आ जाएगी या बहकने वाली जो भावना है वो आपके अंदर आ जाएगी। तो अबेट मीन्स होता है किसी को उकसाना या बहकाना। चलिए नेक्स्ट अपने वर्ड को हम लेते हैं, और जो हमारा वर्ड है उसका सीरियल नंबर 5 है। तो जब हम नंबर 5 को देख रहे हैं तो इसमें आ रहा है एबियंस, और जब हम एबियंस की बात करते हैं तो ए बी का मतलब अब होता है और वाई से मतलब हम ये मान लेते हैं और एंस का मतलब चांस मान लें। तो एबियंस यानी कि अब ये चांस, अगर अब ये चांस या मौका हमसे निकल जाता है तो हमारा जो मैटर है वो किस में चला जाएगा, ठंडे बस्ते में चला जाएगा। तो एबियंस मीन्स होता है ठहराव, निलंबन, ठंडे बस्ते में जाना या डिले हो जाना। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। और नेक्स्ट को देखते हैं, नंबर 6 को एबहोर। जब हम एबहोर की बात कर रहे हैं तो एबहोर को हम देखें, ए मीन्स अरे और भोर को हमने देखा, तो भोर मीन्स सुबह, सवेरे का टाइम होता है। तो हमने देखा कि ए भोर में उठने में आप घृणा क्यों करते हो, आपको सुबह सवेरे उठा दिया जाता है तो आप घृणा क्यों करते हो। तो एबहोर मीन्स होता है घृणा करना। तो नेक्स्ट यानी कि नंबर 7 को देखते हैं, और नंबर 7 यानी कि एब्जेक्ट। जब हम एब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो एब्जेक्ट को हम देखें तो एब्जेक्ट को अगर हम एक सिमिलर वर्ड को देखें तो एब्जेक्ट से हम एक सिमिलर साउंड वर्ड देखें यहाँ पर तो वो हमें मिलता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट मीन्स होता है सामान। तो हम बोलेंगे कि अरे उनके घर में तो कोई सामान नहीं है, तो उनके घर में कोई सामान नहीं है तो श्योर है कि उनकी जो स्थिति है वो बड़ी ही दयनीय है। तो एब्जेक्ट मीन्स होता है बहुत ज़्यादा या नितांत
यानी कि एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति होना। तो एब्जेक्ट को आप समझ गए हैं, इसके बाद हम आगे चलते हैं और अपना नंबर 8 जो वर्ड है उसे देखते हैं। और नंबर 8 कह रहा है हमारा एब्ज्योर, और एब्ज्योर को अगर हम देख रहे हैं तो ए बी से बनता है हमारा अब, और ज्योर को हम देखें जोर यानी कि प्रेशर, पावर। तो वो कह रहा है कि अब जोर लगा करके बुरी बातें त्याग दो। तो एब्ज्योर मीन्स जो यहाँ पर दिया है, बुरी बातें त्यागना, त्यागना खंडन करना, तो त्यागना या खंडन करना। एब्ज्योर मीन्स क्या होता है, त्याग देना यानी कि खंडन कर देना, ठीक है। और अब हम नंबर 9 को देखते हैं। नंबर 9 हमारा कह रहा है एब्ल्यूशन, और एब्ल्यूशन को जब हम देखते हैं तो ए बी से अब बनता है, और ल्यूशन को हम लोशन मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए कोई भी व्यक्ति है वो स्नान करने जाता है, बात के लिए जाता है, तो उससे पहले वो मसाज करता है, तो हम उसके लिए बोलते हैं कि भाई अब लोशन लगा करके यानी कि पवित्र हो जाओ। तो एब्ल्यूशन मीन्स होता है कि पवित्र होना और स्नान करना। तो एब्ल्यूशन क्या होता है, पवित्र होना, पाक होना या स्नान करना। तो चलिए अब नेक्स्ट और अपना जो लास्ट वर्ड है इस पार्ट फर्स्ट का हम उसे देखते हैं। और जो नंबर 10 है उसमें लिखा हुआ है हमारा एबोड, और एबोड को जब हम देख रहे हैं तो एबोड, एबोड को जब हम एक सिमिलर साउंड वर्ड में देखते हैं तो एबोड को हम एब्रोड से कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो एब्रोड मीन्स होता है फॉरेन यानी कि विदेश। तो हम यहाँ पर बोलते हैं कि अरे भाई आपको मालूम नहीं है कि उसका तो जो एब्रोड है यानी कि जो विदेश है उसमें भी निवास स्थान है। तो एबोड मीन्स होता है निवास स्थान या निवास होना। तो एबोड को भी आप आसानी से समझ गए होंगे कि एबोड मीन्स होता है निवास या स्थान होना। तो मैं समझता हूँ दोस्तों कि आप इसे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ कि आप हमें YouTube चैनल पर जा करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद आप इसका जो बेल आइकन है उसे दबाते रहें, ताकि जो दबा लें ताकि उसका जो नोटिफिकेशन है वो समय समय पर आपको मिलता रहे। और उसके बाद आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम पेज पर भी एट द नीलांचल क्लासेस पर, ताकि आपको जो इसकी PDF फाइल है वो बड़ी ईजिली समय समय पर प्राप्त होती रहे। और मैं फिर आपको यही कहूँगा कि आप इनको अच्छे से देखें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें, ताकि सभी ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा अपने एग्ज़ाम में ले सके। थैंक यू, फिर से पार्ट 2 में आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी।